आज बच्चे रिवीजन चैप्टर नंबर 4 की आज हम रिवीजन करेंगे। पेपर में आपको जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 आएगा। नक्षिता रिद्धि गौरा कैमरा ऑन कर लो। जिन भी स्टूडेंट्स के कैमरास ऑफ है ना, दक्ष, कुंजन, नक्षिता, रिद्धि, सक्षम, कैमरा ऑन कर लो। बच्चे चैप्टर नंबर 4 निकाल, पेज नंबर 25 स्टार्टिंग से आपको इस चैप्टर को रीड करवा देती हूँ। पेज नंबर 25 ओपन करो। चैप्टर नंबर 4 है लर्न टू यूज द कीबोर्ड। कीबोर्ड के यूज के बारे में हमें सीखना, लर्न करना। द कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्णव ठाकुर सुन ले मैं क्या बोल रही हूँ। पेज निकाल 25। तो कीबोर्ड भी जो है वो कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज यू नीड अ पेन और पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर, अ कंप्यूटर नीड अ कीबोर्ड टू टाइप लेटर्स और नंबर्स। तो बोला है कि जैसे आपको राइट करने के लिए पेन और पेंसिल, जब आप पेपर पर राइट करते हो तब आपको पेन और पेंसिल की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही जब हमने कंप्यूटर पे राइट करना हो तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। हमें जो है वो इस कीबोर्ड की जो है वो जरूरत पड़ती है। सी हियर, दिस इज अ कीबोर्ड। इसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। सभी ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं हम? कीबोर्ड। जब हमें पेपर पर राइट करना हो तो हमें जरूरत पड़ती है पेन की, और जब हमने मॉनिटर पे या कंप्यूटर पे राइट करना हो तब हमें जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट लिखा है द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। तो देखो यहाँ पे ये जो जितने भी बटन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कीज। क्या बोलते हैं हम उसको? कीज बोलते हैं। ये जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से बटन्स हैं उसको हम बोलते हैं कीज। ओके, लेट अस लर्न अबाउट कीज। आओ हम जो हैं वो कीज तो बच्चे नेक्स्ट है अल्फाबेट की। अल्फाबेट क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं हम? अल्फाबेट। तो आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे कीबोर्ड में लिखा है क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ये सारे क्या है? अल्फाबेट है। ध्यान से सुन लो सभी, ये सारे क्या है? अरमान, कृषव, तो ये सारी क्या हैं? हमारे पास हैं ये सारी
अल्फाबेट की, इसको बोलते हैं हम अल्फाबेट कीज। तो अल्फाबेट कीज कितनी होती है? 26। नेक्स्ट है नंबर की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नंबर दिख रही है, तो ये क्या है? नंबर की। और नंबर की कितनी जो भी नंबर नेक्स्ट है बच्चे एंटर की। नेक्स्ट क्या है? एंटर की। तो द एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट वन, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। जब भी हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है तब हम कौन सी की का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एंटर की का। कौन सी की का? डर की का। और इसको क्या बोलते हैं हम? रिटर्न की। क्या बोलते हैं हम इसको? रिटर्न की। अब देखो एक्सरसाइज पेज नंबर 27 पर, पेज नंबर 27 पे हम अब एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। तो लिखा है हाउ मेनी अल्फाबेट कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड के ऊपर कितनी अल्फाबेट कीज होती हैं? कौन बताएगा मुझे कितनी अल्फाबेट कीज होती हैं? बोलो बोलो और मुझे कितनी होती हैं? 26। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एंटर की। एंटर की का एक और नाम क्या है? रिटर्न की। एंटर की का और क्या नाम है? बिशप 2800। क्लास लगा के आप क्या कर रहे हो? सुन लिया करो बच्चे जो पढ़ा रही हूं मैं। नेक्स्ट है व्हाट द सॉरी नेम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो सबसे लंबी की मैंने कौन सी बताई? स्पेस बार की। कौन सी की बताई लंबी? स्पेस बार की। नंबर टू पे लिखा है नेम द की यूज टू टाइप नंबर ऑन अ कीबोर्ड। जब हमें नंबर टाइप करने हो तो हम कौन सी की का यूज करेंगे? हम करेंगे यूज नंबर की का। कौन सी की का यूज करेंगे? नंबर की का। नक्श ये टंग क्यों निकाली है? ये दक्ष पटियाल अर्नब 2820 कैमरा क्यों ऑफ है दोनों का? और उत्कर्ष आप कहाँ हो? मैंने ना क्लास से वैसे रिमूव कर देना फिर आपको। What do you type using alphabet key? कि आप अल्फाबेट की से क्या कैसे उसको यूज करते हैं? तो क्या आएगा? अल्फाबेट की इज यूज टू टाइप द लेटर्स। अल्फाबेट की का यूज किसके लिए किया जाता है? लेटर्स को टाइप करने के लिए। विच की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। उसको क्या बोलते हैं जिससे हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं? उसको बोलते हैं हम एंटर की। क्या बोलते हैं उसको? एंटर की। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की। स्पेस बार की का क्या यूज है? तो स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। अर्णव फिर से कैमरा ऑफ हो गया, तो क्लास मूव कर दूं आप? क्लास नहीं लगाने का मन है तो क्लास से लीव कर देती हूँ मैं आपको, रिमूव कर देती हूँ।
से ऑफ हो गया इस लड़के का कैमरा। तो स्पेस बार की का यूज हम किसके लिए करते हैं? टू वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए। बच्चे मैंने आपको चैप्टर 4 जो था वो रिवाइज करवा दिया, अब सभी जो है चैप्टर 4 लर्न करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस की लर्न करेंगे। रिद्धि गौरा निधि लर्न कर लो, 13 से आपके एग्जाम है और सेकंड आज हो चुकी है, सेकंड डेट हो चुकी है आज। और सभी को बताया है कि कल आप मटेरियल जो है वो स्कूल से ले जाएंगे। तो लर्न करिए सभी। क्या अक्षित बोलिए? मैम मेरी मम्मा नहीं आ सकती, मेरी मम्मा के पेशेंट हुए। तो किसी और को भेज देना आप, पापा को भेज देना। पापा मैम ड्यूटी में जाते हैं। और कौन है घर में? दीदी है, दादी शादी में गई है, बुआ है, उनका भी पेशन हुआ है। दो मेरे पास। तो बच्चे क्लास के बाद कॉल करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। 2-3 दिन के बाद लेके जा सकते हैं इसके? कोई बात नहीं, ले जाना, मैम से कर लेना बात, प्रिंसिपल मैम से कर लेना बात, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यस निधि बोलो। मैम कल मैं दूसरी भी चेक करने के लिए आऊंगी। मैम कल मैं दूसरी भी चेक करने आऊंगी। क्या चीज है? ओके। और बच्चे जिन्होंने बुक्स चेक नहीं करवाई है ना, उनको मार्क्स नहीं लगेंगे। जो आपके 30 मार्क्स होंगे वो नहीं लगेंगे आपको। जिन्होंने अपनी बुक्स चेक नहीं करवाई है, निधि आप करवा जाना बच्चे कल। अरुष पेंसिल दो मुझे। अंकिता अनम्यूट योरसेल्फ। अंकिता मैम गुड मॉर्निंग, आपने बुक्स चेक करवाई है? नो मैम, नहीं करवाई है ना। नहीं।
गुंजन अनम्यूट योर सेल्फ. गुंजन. यस मैम. गुड मॉर्निंग मैम. आपने करवाई है बुक्स अपनी चेक? यस मैम. मैम चेक करवा दी है बुक्स. गुंजन आप आए थे बुक्स चेक करवाने? हाँ मैम मैं आई थी और गुंजन भी साथ में ही आई थी. गुंजन के मदर आए थे. हाँ हाँ ठीक 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 है जी ठीक है. उत्कर्ष मैम आपने भी नहीं करवाई है ना बुक्स अपनी चेक? नो मैम. यस परी बोलो. परी मैम मैम मैंने बुक्स रखने करवाई है. तो फिर तो स्कूल कब खुलने? डालना तो है आपको मैसेज, आप आ सकते हो स्कूल. हमारे मैसेज नहीं रीड किए? नो मैम. क्यों? जिन्होंने बुक्स चेक नहीं करवाई हैं उनके 30 मार्क्स डक्ट हो जाएंगे. अंकिता. यस मैम. बोलो क्यों हैंड रेज किया आपने? मैम मेरी मम्मा बीमार है. फिर तो बुक्स चेक नहीं कराई. कोई बात नहीं, तो 30 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. हाँ 30 मार्क्स आपके लेस हो जाएंगे. कोई बात नहीं, नहीं करवाई है ना. लर्न करिए, अभी जो मैंने लर्न करने के लिए दिया है ना उसको लर्न करो. अंकिता लर्न करो, लर्न करने के लिए बोला है मैंने. और ये जो सो के कर रही है ना पढ़ाई, सो के नहीं होती है पढ़ाई. उसको अगर लर्न हो गया तो उसको नोटबुक में राइट करिए. नाक्ष लर्न कर ले. मैं देख रही हूँ सभी को चेक कर रही हूँ. समर अनम्यूट योर सेल्फ. समर आपने भी नहीं करवाई है ना बुक्स चेक? कल करा दूंगा. अभी तक नहीं करवाई है ना.
ईशानी कुमारी कैमरा ऑन कर लो अपना। अदरवाइज में लगी आपको रिमूव करने क्लास से। शानवी लर्न करो, कृष्णा गुंजन अब से थोड़ी देर के बाद आपने प्ले ही करना है, लर्न करो इसको, मैंने सुनना है। आरुष क्वेश्चन आंसर लर्न करो, क्वेश्चन आंसर वो वाला, नेक्स्ट पेज करो, हाँ वो वाला पेज नीचे जो है। कल आपका चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, वीकली भी है ना कल आपका, परसों है वीकली, तो कल आपका चैप्टर नंबर 4 का कंप्यूटर का टेस्ट होगा। नक्ष दिव्यांश क्लास लगाई हुई है और आप क्लास में हो ही नहीं। प्रियांश की है, प्रियांश बैग में डालो नोटबुक। ये इरेजर क्यों फेंक दिया? परी प्ले करने के लिए बोला है, प्ले करने के लिए बिठाया आपको परी। आदित्य चौधरी Thank you.
दिव्यांशी लर्न कर लो और दिव्यांश इसको दिव्यांश को ना स्कूल छोड़ जाया करो आप, बिल्कुल भी ढंग से नहीं बैठता ये क्लास में, फिर इधर आके बैठेगा ये ढंग से। कृष्णा क्या कर रहे हो आप, लर्न हो गया सारा? नक्श को प्ले कर रहा है ये, लर्न करने भी ढाया हुआ इनको। अपना ठाकुर हो गया लर्न, जल्दी करो तो लर्न। कल बच्चे मैंने चैप्टर 4 का जो है वो टेस्ट लेना है आपका, और ये जो लर्न नहीं कर रहे हैं ना, अरमान दिख रहा है मुझे राइट करता हुआ, ओनली अरमान ही है जो लिख लिख के लर्न कर रहा है, बाकी तो प्ले कर रहे हैं सारे ही। मैंने बोला ना फर्स्टली लर्न करो फिर राइट करो। अबे भारद्वाज लर्न करिए और फिर राइट करिए नोटबुक में, क्या कर रहे हो आप?
थैंक यू ऑल ऑफ यू।